फैसला कर लिया डैड, मैं अंकिता से शादी करूं। एक आदमी है जो आप उनकी मदद कर सकता है। कौन? अनिल। टोनी अभी तो अंडरग्राउंड है, खबर मिली है कि उसको किसी ने अंडरग्राउंड होने के पैसे दिए। हिल स्टेशन पे कॉलेज का बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 5 बच्चे गार्ड के पास चले गए, उसपे पैली भी थी, मेरा हैप्पी फैमिली खत्म। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये चाय है, पापा थे ना तो पापा के लिए रोज सुबह चाय मैं ही बनाती थी, बहुत पसंद था उन्हें चाय, वो भी मेरे हाथ का। लीजिए ना आंटी। क्या नाम था तुम्हारे पापा का? वेद प्रकाश शास्त्री। भोपाल में घर है हमारा, पापा की एक्टिंग स्कूल थी वहां पे, माँ को तो पहले ही खो दिया था, अब पापा भी चले गए। एक छोटी बहन है, ये मुंबई में पढ़ती है कॉलेज में। वो अस्थि कलश पापा के है। तूने उसे पानी में बहाया नहीं था? जी नहीं। था तुम्हारे पापा को? उन्हें गोली मार दी गई थी, हमारा भी घर था, हरा भरा परिवार था। इतना दर्द कैसे सह लिया तुमने? दर्द भी तो अपनों का ही था ना, आपने अपनी बेटी खोई और मैंने अपने माँ पापा को। आंटी बिना कुछ कसूर बिना कुछ वजह भी सजाएं मिलती है, आपके गॉड को भी तो चूल्हे पे चढ़ाया गया था ना। पर हम तो गॉड नहीं है ना। हा? 4 बच्चे मर गए, उसमें मेरी बेटी है क्यों? बहुत गुस्सा आता है मुझे गॉड पे। आपकी बेटी नहीं होती तो किसी और की बेटी होती, जैसे आप आज अपनी बेटी के लिए रो रहे हो ऐसे ही कोई और मां रो रही होती। तुम्हें गॉड पे गुस्सा नहीं आता? जब से मेरी फैनी गई है ना तब से मैं चर्च में नहीं गई हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है गॉड पे। गॉड हुआ तो क्या हुआ, जो गलत है गलत ही है। मैंने तो गौर से गट्टी कर दिए, पर तुम्हें भी गौर को डांटना चाहिए, फाइट करना चाहिए उससे। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर वो मुझे दुख देता है तो वो मुझे उसे सहने की शक्ति दे। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है मैं उन्हें सजा दिला पाऊं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ये गॉड ये भगवान कुछ भी नहीं होता है। आंटी कल तक हम एक दूसरे को जानते थे? नहीं। लेकिन आज हम साथ में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई तो होगा जिसने हमें मिलाया है, कुछ तो मकसद होगा। क्या मकसद होगा मेरा जीने का? सब कुछ तो खत्म हो गया, मरने के वास्ते जी रहा हूं मैं, समझी? समझ गई। सब कुछ तो मैंने भी खो दिया आंटी अपना,
यहाँ तक कि मेरे सपने भी खाक हो गए। मैं पापा के सपने पूरे करने के लिए जी रही हूँ। मुझे उनकी मौत का बदला लेना है। अनाथ हूँ आज मैं, आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं, और जिन्होंने मुझे ये अंजाम तक पहुंचाया वो शायद हंस रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। चोली, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे 50 लोग देखे हैं। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं। पुलिस की धमकी से तो डरेगी ना। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं, सोच रही थी कि शादी के जोड़े में मैं कैसी लगूंगी। बहुत सुंदर मेरी बेटी, बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मॉम, रोशन अंकल। रोशन अंकल? रोशन अंकल क्यों मना करेंगे बेटा? मैंने उनसे बात की है, वो बहुत खुश हो गए थे, पता है तुम्हें? ओ मॉम, मॉम मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। मैं भी। आज तक तरसती रही मैं उसके प्यार के लिए, ऐसा लगने लगा था कि मैंने उसे खो दिया है, लेकिन अब मॉम। एक बात बताऊं बेटा, जिंदगी में लगे घाव मिट जाते हैं, पर उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। निशान कभी नहीं मिटते, वैसे यादें भी कभी नहीं मिटती। विधि की यादें। विधि की यादें मैं मिटाऊंगी मॉम, और किसी की यादें मिटाने का मतलब होता है उसे मिटा देना। अब मेरे और प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। बहुत तकलीफों के बाद मैंने उसे पाया है। हाँ बेटा, अब कोई नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। Excuse me. आज बहुत खुशी का दिन है, चलना कहीं लंच पे चलते हैं। या फटाफट रेडी होके आ जाओ। ओके। सुनी, शायद तुम्हें याद नहीं है पर हमारा अकाउंट सेटल हो गया। ज्यादा बोल मत, मैं बाहर आ गया ना तो तेरा अकाउंट खुल जाएगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो टोनी। बड़ी समझदार हो, आखिर बात समझ आ ही गई तुमको। जल्दी से पैसे भिजवा दे वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। टोनी, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे 50 लोग देखे हैं। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। पुलिस की धमकी से तो डरेगी ना। ज्यादा बोल मत, जल्दी से पैसे भिजवा दे वरना मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तू है कौन, तेरा असली चेहरा क्या है। और ये मत भूल, तेरे हाथ वेद के खून से रंगे हैं।
पैसा जल्दी भिजवा दे। ठीक है टोनी, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, किसी के हाथ में पैसे भेज देते, पर तुम्हें पैसे लेने कहाँ आना है वो जगह और वक्त मैं डिसाइड करूंगी। सुनो, कोई चालाकी नहीं और कोई गड़बड़ नहीं। पैसे चाहिए ना टोनी, तो जहां बुला वहां आ जाना। कुत्ता हमेशा वहीं जाता है जहां पर रोटी होती है, समझ गए? एक और फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है और दूसरी तरफ अंकिता की शादी की बात आगे बढ़ रही है। इसमें ये टोनी का ब्लैकमेल करना, नहीं टोनी, ये मुझे खटक रहा है अब, और ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। टोनी, मेरा एक काम करना है, सुनो। अपन टोनी को छोड़ेंगे नहीं। चल चल के पास चल। अरे चाचा, तो चाचा तो कटिंग आ रहा है ना। मुन्ना, मुन्ना, क्या हुआ? साइकिल इतना हाफ रहा है बे? हनी चर्च ने खबर भेजी है, टोनी का पता लग गया। क्या? टोनी का पता चल गया? हाँ। अब साला अपन टोनी को छोड़ेंगे नहीं। चल, चल चर्ची के पास चल। अरे हम भी साथ चलते हैं, साला छोड़ेंगे नहीं टोनी को। ये टोनी है ना, साला बहुत चालाक आदमी, वो अपुन के हाथ में ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले ना अपुन को उस हनीफ चर्सी को पकड़ना पड़ेगा, उससे पता लगाना पड़ेगा कि उसके पास खबर क्या है, उसके बाद ना सब साथ में मिलकर उसे फोड़ेंगे। चल जल्दी। तो कहा था कि मेरी बेटी फैनी के जाने के बाद मैं कभी चर्च में नहीं आया, गॉड के साथ मेरा फाइट हो गया था, आज इससे मैं सेटलमेंट करने को आया है। आज मैं गॉड से प्रेयर करूंगी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुमने सच कहा था, कोई तो है
कि हम दोनों को उसने मिलवाया है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए गौड़ के पास, पर तुम्हारे लिए मैं मांगूंगी। देखते गौड़ मेरी बात सुनता है कि नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाना रे, हाँ पैसे लेता है ना। बोला नहीं, काहे के लिए बुलाया अपन? अरे मुन्ना भाई काहे को आप रहला है? अरे हाँ, वो तूने टोनी की खबर के लिए बोला था ना, तो कोई खबर मिली उसकी? हाँ पक्की खबर है बाबा, पक्की। अरे तुम बोलना फटाफट। ए मुफ्त में मिठाई खानी है क्या रे, हैं? पैसा निकाल पैसा रोकड़ा। अरे खबरी लोग जो होते हैं ना, वो टेलीफोन बूथ जैसे होते हैं, आवाज अगर सुननी है तो पैसा डालने का। ऐसी बात कर रहे लावे, कुछ दिन तेरे को पैसे का बंडल दिया तो था। अरे वो पैसा वो खल्ला, हर खबर का पैसा लगता है क्या? नई खबर नया पैसा। थाम थाम तू, अपन के पास माल है। ये पैसे कैसे आया तेरे पास? अरे मुन्ना तू जानता है अपन ऐसा कहता चोरी चकारी किया, कितना पॉकेट मारा था अपन। ये अपन आज अपने वास्ते बचा के रखा था, लेकिन अभी अपनी सिस्टर के वास्ते निकाला है। लेकिन मुन्ना सच का कसम अपनी चोरी नहीं खेला है। ए, ये पैसा इधर दे। अरे बकवास बंद कर, क्या अपुन के धंधे में ब्लैक मनी ही चलता है क्या? ब्लैक मनी। अब सुनो, टोनी की खबर ये है कि गॉड आज तक मैंने तुम्हारे से गुस्सा किया, बात नहीं की कभी, पर आज कर रही हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो तो सब तूने छीन लिया, पर आज मैं इस लड़की के लिए कुछ मांग रही हूं, उधार समझ के दे दे। मेरी बेटी फैनी आज जिंदा होती तो ऐसी चोटी। गॉड अभी इसे इसके बाप के कातिलों का पता बता दे। उसे उसका बदला दिला दे। उसके बाप की अस्थियां बहाने के लिए कुछ करो गॉड। मैं डिसोजा तेरे आगे झोली फैलाती हूँ, ये मेरी बेटी जैसी है, उसको बस इतना दे दे गॉड, इतना दे दे। अगर टोनी मर गया तो अपन को कैसे मालूम चलेगा कि सिस्टर के पापा को मारने का सुपारी कौन दिया था? ये मरा तो नहीं लेकिन मरेगा पक्का। मुन्ना भाई जिसने उस बुड्ढे पर गोली चलवाई थी उसी ने टोनी के नाम की सुपारी निकाली है क्या? ये क्या बोल रहे ला तू? हाँ हनीफ जो बोलता है सच्ची बोलता है। आज तक हनीफ ने किसी को झूठी खबर नहीं दी है। टोनी मरने वाला है। अगर टोनी मर गया
तो अपन को कैसे मालूम चलेगा कि सिस्टर के पापा को मारने का सुपारी कौन दिया था? ये मरा तो नहीं लेकिन मरेगा पक्का। अरे वो अपनी फिल्म वाली है ना, अरे क्या नाम है उसका, उस औरत का मगज में नहीं आ रहा है। हाँ, मल्लिका, उसी ने टोनी को मारने की सुपारी दी है। हाँ। लेकिन काय को? क्या मुन्ना भाई, काय दिमाग का दही करता है। मेरे को जो मालूम था वो मैंने तेरे को बता दिया। और टोनी पक्का मरेगा, ये पक्का है बॉस। गॉड से मैंने तुम्हारे लिए प्रे किया है। देखते गॉड मेरी सुनता है कि नहीं। आज तक अपन को ऐसा था कि टोनी अपन के हाथ में आ जाएगा ना तो अपन उसको मार देगा, लेकिन अब अपन उसको मरने नहीं देगा। कि अगर टोनी मर गया ना तो तकदीर वाले की तकदीर में सिर्फ अंधेरा रह जाए, उसका बदला कभी पूरा नहीं होगा। थैंक यू आंटी। आंटी भी बोलता है और थैंक यू भी कहता है। आंटी, मेरा और मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। आज आपने जब प्रेयर की ना तो दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि हमारी परवाह करने वाला भी कोई है। और भी कोई होगा इस दुनिया में बेटे, रिश्ते कभी कभी ढूंढने पड़ते। क्या हुआ मुन्ना? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। जिसने तेरे अब्बू पर गोली चलाई थी ना, स्टोनी का पता चल गया। और बुरी खबर यह है कि टोनी की भी सुपारी दी गई, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। पैसे लेने आएगा और जब वो पैसे लेने आए तभी उसका काम तमाम करना। ये क्या? वो काम? तूने क्या समझा? तू अकेला शूटर है शहर में, तू अकेला है जो सुपारी लेता है। जितने पैसे तुझे दिए थे मल्लिका ने, उससे ज्यादा मुझे दिए तुझे उड़ाने के लिए।